प्रदेश भाजपा की शिमला में 24 से 26 नवंबर तक होगी समीक्षा बैठक। उपचुनाव में मिली हार को लेकर होगी समीक्षा, कमियां दूर करने को लेकर होगा मंथन। राज्य मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने उपायुक्तों को दिए निर्देश, सभी पात्र लोगों को लगाएं कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, इसके बाद भी जारी रहेगा टीकाकरण अभियान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कांगड़ा जिले के कमांडो अमित राणा को शौर्य चक्र से किया सम्मानित। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अमित राणा ने मार गिराए थे 4 आतंकी। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा सुगम्य पुस्तकालय। पुस्तकालय में पढ़ाई लिखाई की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद। प्रदेश में 99% से अधिक बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार, केंद्र सरकार की असर रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को GPF पर मिलेगा 7.1% ब्याज, राज्य सरकार ने अधिसूचना की जारी। केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, दुर्गम क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा देने में हो रहा कारगर साबित। सिरमौर जिले में मिशन के अंतर्गत 1,20,000 से अधिक पेयजल कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य। जनजातीय गौरव सप्ताह को लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को किया गया याद। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस किया घोषित। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड, जनजातीय क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे। मैक्लोडगंज में स्थित डल झील में पानी का जल स्तर कम होने से मछलियों के मरने की आशंका। प्रशासन ने स्वयंसेवियों की मदद से मछलियों को किया रेस्क्यू, कांगड़ा फिश फार्मों में किया शिफ्ट। शिमला जिला परिषद सदस्यों की बैठक स्थगित, 24 नवंबर को होना था बैठक आयोजन।